इसी वर्ग गुर्जर समाज की लंबित मांगों को लेकर गुरुवार को समाज द्वारा एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। क्षेत्र के गुर्जर समाज के लोग देवगढ़ में इकट्ठे हुए, जहां से समूह के रूप के उपखंड कार्यालय के लिए निकले, जहां सर्कल पर पुलिस प्रशासन द्वारा रोक दिया। प्रशासन ने 11 लोगों को उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपने के लिए गैर जाने देने वाला। ज्ञापन में बताया गया कि राजस्थान प्रदेश गुर्जर समाज लंबे समय से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लगातार आंदोलन भारत में है, पर पिछले आंदोलन के दौरान समय समय पर सरकारों के साथ हुए समझौते की पूर्ण रूप से पालना नहीं होने पर एसबीसी वर्ग तथा समाज के काफी आंखों से, जिस कारण वर्तमान समाज के हित में करने का विवश होना पड़ रहा है। राजस्थान प्रदेश देवसेना संगठन में एसबीसी निम्न मांगे ऊपर जानकारी दी और बताया गया कि एसबीसी वर्ग आरक्षण को संविधान की नवीन अनुचित में शामिल किया जाए। राजस्थान सरकार द्वारा सरकार भर्तियों को ब्लैक लोग का पूरा भर जाए और तथा प्रक्रिया जो है वो दिन प्रक्रियाधीन भर्तियों में ब्लैक लोग को पूरा भरा जाए तथा प्रक्रियाधीन भर्तियों में पूरा 5% आरक्षण लाभ समाज को दिया जाए। एसपीसी कोर्ट में भर्ती हुए 1252 कर्मचारियों को नियमित किया जाए। गुर्जर आंदोलन में शहीद के लिए परिवारजनों को सरकारी नौकरी का मुआवजा दिलवाया जाए। देवनारायण बोर्ड का गठन कर देवनारायण योजना को लागू किया जाए। आंदोलन के दौरान समाज पर हुए मुकदमे वापस ले जाए इत्यादि मांगों को बताया गया। समाज में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर निम्न मांगों को पूरा करने की मांग की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में गुर्जर समाज देवसेना के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज इसकी याद मेरे बगल के आसपास नहीं पहुंची है। आज सुबह से लेकर बड़ी संख्या में यहाँ पुलिस जाप्ता नगर के चारों ओर तैनात था। इस दौरान आज उन्होंने एक प्रतिनिधि मंडल में जाकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। आज यहाँ देवसेना के जिला अध्यक्ष यहाँ राजू जी खटाला हमारे सामने है, तो इसे जाना चाहेंगे कि आपके मुख्य बिंदु क्या है, क्या थी आज ज्ञापन, किसको लेकर आपने ज्ञापन सौंपा? हमारा मुख्य बिंदु यही है कि हम राजस्थान हर जगह कोने कोने हर जगह धरना प्रदर्शन हो रहे हैं और हमारे राजसमंद जिले में और देवस्थेश्वर में और ये आज हो रहे हैं। धरना प्रदेश साहब के नेतृत्व में अंदर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई 10 दिन के अंदर। आप अभी हम जो आज हमने ज्ञापन दिया है और हमारे समाज के सभी लोगों ने राजसमंद जिले से यह पधारे हैं, उनके लिए बेहतर साहब ने बेहतर में आगे से जो हमारे कमेटी और कमेटी बनी हुई है उसके अनुसार हम सभी हर जिला समाज के लोग हम देशला जी के नेतृत्व में हम धरना प्रदर्शन करेंगे। आज जो हमारी मीटिंग हुई उसमें यही निर्णय लिया कि 10 दिन के अंदर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम हर जगह रोड जाम करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। जैसे कि आपने आज उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, उसमें कुछ मुख्य मांगे रखी थी, अगर ये मांगे आपकी सरकार ने नहीं मांगी तो आप ये आगे क्या रणनीति बनाएंगे? हमारी अगर देशला जी से बात होगी और उनसे आगे कार्यक्रम ये चलेगा कि हमारे समाज के हर लोग